हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीएसएस को आप कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम थ्री टाइप से लिख सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके ट्यूटोरियल्स में इस वीडियो में देने वाले हो, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। और हमारा सिंटेक्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सिंटेक्स वाला वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सीएसएस को कैसे लिखते हैं। इसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो अगर नहीं देखा तो पहले देखे वो, इसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, हम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग स्टाइल दे देते हैं। तो एक लाइन के अंदर आपको अगर कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इनलाइन स्टाइल कर दिया और यहाँ पर कलर रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरी हेडिंग में यहाँ पे रेड कलर हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर लाइन में कलर चेंज किया, इसके लिए हम इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के बहुत सारे टैग्स लगा रखे, लेकिन मेरे को यहाँ पे चाहिए पर्टिकुलर, ये सेकंड वाला पैराग्राफ में मेरा कलर अलग चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं मेरे एक तरफ में यहाँ पे कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक तरफ मेरे ब्राउजर में यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी मैं यहाँ पे सेव करूँगा, जैसे मैं ग्रीन कर दिया तो मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप मेरे ब्राउजर में देख पाएंगे कि मेरा जो ये पैराग्राफ नंबर 2 वाला है वो ग्रीन हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लाइन में कुछ कलर वगैरह चेंज करने, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज करने के लिए आपको एक इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं कि यार एक सीएसएस को लिखने का 3 टाइप्स क्यों हैं, तो इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं कि 3 टाइप्स क्यों हैं। तो आप बेसिकली तो आप जान पाए होगे कि किस ये 3 टाइप्स क्यों हैं, ठीक है। अगर नहीं जान पाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे पी स्टाइल करके कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं कलर वाला ही आपको एग्जांपल समझ जा रहा हूँ, ताकि आपको एकदम बिगिनर के लिए एकदम सही रहे। यहाँ पे कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। तो लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको रेड कलर नजर आ जाएगा। तो एज यू कैन सी ऑन माय डेस्कटॉप स्क्रीन, लास्ट वाले पैराग्राफ में माय नेम इज दिनेश लाल कलर में रेड कलर में आ गया, क्योंकि हमने कमांड दी थी रेड कलर की, ठीक है। इसके बाद हम करते क्या है, इसको सारा मैं हटा देता हूँ। अब आपको समझाने वाला हूँ इंटरनल सीएसएस क्या है, ठीक है। तो इन सारे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सारे को हटाने के बाद यहाँ पे H1 के वाले में भी हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इंटरनल सीएसएस क्या होता है वो हम समझाने वाले हैं। तो हम बेसिकली हम बता दूँ, इंटरनल सीएसएस यानी कि आपको एक पर्टिकुलर मैं आपको बता दूँ, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। वो करेंगे हम हेडिंग पार्ट के अंदर, यहाँ पर करेंगे स्टाइल टैग का यूज। और स्टाइल टैग के यूज करने के बाद हम यहाँ पे देने वाले पी। जैसे मैं पैराग्राफ टैग में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो आपको पी लगाना पड़ेगा। इसके बाद ओपन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। हम फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे, ठीक। प्रॉपर्टी वैल्यू एंड कलर और ग्रीन दे देंगे। अब मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारे जो पी टैग वाले जितने भी है पूरे के पूरे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो ग्रीन में हो जाएंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने इनलाइन सीएसएस में एक लाइन के ऊपर यहाँ पे कोड डाले थे, और अगर आपको हर लाइन पे ग्रीन करना है तो हर लाइन के ऊपर आपको लिखना पड़ता है इनलाइन में। लेकिन हमको जब जैसे ही हमने इंटरनल सीएसएस में एक के ऊपर डिपेंड किया, इंप्लीमेंट किया, तो सारा का सारा पैराग्राफ के अंदर हो गया। तो हम जैसे H1 के अंदर हम कलर रेड कर दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी रेड हो गया। तो इस तरीके से अब मैं एक और लिख देता हूँ चेक इट का, और चेक इट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका हम चेंज करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा B1, यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो आप चेक इट ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। लेकिन अब जैसे मैं बी करके कंट्रोल एस करता हूँ तो आप रेड कलर में देख पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी इंटरनल सीएसएस लगा रखी वो रेड कलर की लगा रखी है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरनल और इनलाइन में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अभी भी एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो ये सारे अलग अलग करके दिखाता हूँ, क्या हम साथ में कर सकते हैं? यस, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आप देख पाएंगे कि मैं अलग अलग कलर दूंगा सभी के, जैसे पैराग्राफ टैग के अलग, बी टैग के अलग और हेडिंग पार्ट के अलग। इस तरीके से एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं और सभी के अलग 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 कार्य होते हैं, और अलग अलग कार्य के लिए अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे H1 को कलर दे दूंगा रेड नहीं दूंगा, यहाँ पे कलर कुछ और दूंगा, तो यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ग्रीन दे दो, ब्लू दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा आप देख पा रहे हैं सीएसएस एग्जांपल एंड वी यूजिंग इनलाइन सीएसएस। तो ये इनलाइन नहीं है, ये इंटरनल सीएसएस है। तो मैंने जैसे ऐसे लिखा था एक हेडिंग पे, तो यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं कौन सा कलर दूंगा, तो आप जो भी मैं कलर देने वाला वो सारा का सारा चेंज होने वाला है मेरे बॉडी पार्ट के एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, जबकि मैं हेडिंग पार्ट में लिख रहा हूँ। तो यही है सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। तो आप समझ पा रहे होंगे, यू कैन सी ऑन माय डेस्कटॉप स्क्रीन कलर ब्लू वायलेट मैंने लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पी टैग के ऊपर सारा का सारा ब्लू वायलेट कलर आ गया। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, ये इंटरनल और इनलाइन सीएसएस आपको समझ में आ गया। अब जंप करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। अब एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, इसके बारे में हम जानने से पहले अब थोड़ा सा इसका
जान लेते हैं कि एक एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस यानी कि अलग से फाइल बनी हुई होगी और वहाँ से हमको केवल लिंक देना है अपने पर्टिकुलर जो भी अपने फाइल बनाई है, मतलब जैसे भी कोडिंग करिए, अब उसका लिंक दे देंगे हेडिंग पार्ट के अंदर और जो भी हमारा जो बॉडी पार्ट है उसके पूरी की पूरी वेब पेज के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब आपके बहुत सारे वेब पेज और आप चाहते हैं कि एक बार बार आपको कोडिंग नहीं करना पड़े, तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। सो बढ़ते हैं इसके ट्यूटोरियल के ऊपर। सो गाइस हम इसका एक्सटर्नल सीएसएस का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। जैसा कि मैंने इंटरनल और इनलाइन में जो भी हमने पैराग्राफ लिखा था, एक कोड लिखा था, वही हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे कि एक अलग से फाइल बनाएंगे कंट्रोल एन करके, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके इसका नाम दे देता हूँ। और नाम देने से पहले आपको ध्यान रखें जो भी आपको फाइल नेम देना है उसके बाद एक्सटेंशन डॉट सी एस एस लगाना है, क्योंकि आप मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्सटर्नल सी एस डॉट सी एस एस, ठीक है। ये देने के बाद एक्सटर्नल डॉट सी एस एस क्यों, क्योंकि ये अपन लिंक देने वाले हैं और ताकि यहाँ पर जो भी हम लिखने वाले हैं तो वो पूरा पूरा उस कोड में रन होना है। तो आपको लिखने से पहले आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेकेट लगा देना है। इसके पहले आपको कौन से एलिमेंट के ऊपर ये लगाने हैं, तो मैं ये H1 जो भी टैग मेरा यूज होने वाला है तो उसका मैं कलर दे दूंगा, ठीक है, कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो मेरा जो भी H1 जो होगा टैग उसके अंदर रेड कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो भी शो हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक अलग से फाइल बनाई। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका लिंक देना पड़ेगा। अब लिंक कैसे देते, देखिए आप हेडिंग पार्ट में चाहिए और लिंक और रिलेशन, ठीक है, इक्वल टू करेंगे, ठीक है, इक्वल टू, और इसके बाद हम इसका लिख देते हैं स्टाइल सेट, ठीक है, स्टाइल सेट। स्टाइल सेट लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो भी इसका एचरैप है वो दे देना है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल सेट लिख दिया मैंने, अब मैं इसका दे देता हूँ एचरैप, ठीक है, HREF, ठीक है, एचरैप इक्वल टू, और इसका जो भी मैंने फाइल नाम दिया था, फाइल नाम क्या दिया था आप जानते हैं, एक्सटर्नल डॉट सी एस एस दिया। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल डॉट सी एस एस यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस यही से क्लिक कर देता हूँ। आप अपने फाइल का नाम लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या इसको, ठीक है, ये करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे रेड कलर हो गया, क्योंकि मैंने H1 एलिमेंट में मेरा रेड कलर दिया था। तो यही होता है, एक अलग फाइल बनी हुई है और वहाँ से हम यूज़ करें। अब एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं कि अब इस फाइल में हम अगर बॉडी के एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब कुछ अलग टैग्स के ऊपर हम ये कार्य करवाना चाहते हैं, ये कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करते हैं। फिलहाल हम ओनली कलर का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बिगिनर के लिए सही रहता है। तो फिर टैग वाले जो भी हैं मेरे एलिमेंट वो हो जाए मेरे ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और आप देख पाएंगे कि मेरे जो भी हैं वो फिर टैग वाले जो भी वो ग्रीन हो गए। तो यही एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एक्सटर्नल सी एस एस की। और इसके बाद हम बी टैग वाला भी देखेंगे, क्योंकि हमने लिंक करके रखा है, तो कंट्रोल एस जैसे ही करता है तो वो ऑटोमेटिकली जो भी है अपने कोड जो लगा के रखा है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बी टैग का यहाँ पे ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डाल देते हैं इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, और कलर दे देते हैं, कलर इसका क्या देंगे, रेड, ठीक है, इसका रेड दे दिया, क्योंकि कंट्रोल एस कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो ले लिया है, क्योंकि यहाँ से हो गया। एक्सटर्नल डॉट सी एस एस का यही बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। सी एस एस में आप अगर बहुत सारे वेब पेज बना रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल डॉट सी एस एस का यूज़ एक्सटर्नल सी एस एस का यूज़ करना ही पड़ेगा, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। सो गाइज मैं होप करता हूँ इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं आया तो आपको डिसलाइक जरूर करें, ताकि और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। सो आई होप नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।